दोस्तों, ये जो मोबाइल है बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये छोटी सी चीज़ कितनी डेंजरस हो सकती है, कितनी हार्मफुल हो सकती है, आई थिंक आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। और शायद यही रीज़न है कि हम में से ज़्यादातर पेरेंट्स, बच्चा परेशान कर रहा है फटाफट मोबाइल दे दिया, बच्चा खाना नहीं खा रहा फटाफट मोबाइल दे दिया, क्योंकि मोबाइल देखते देखते बच्चे को पता ही नहीं लगता हम क्या खिला रहे हैं, कितना खिला रहे हैं, खा लेता है, परेशान नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है। सो हम पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी सुविधा के लिए बच्चों को पहले इसका आदि बनाते हैं, और जब वो इसके आदि हो जाते हैं तब हम शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, तब हम कंसल्टेंट्स को कंसल्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे को मोबाइल एडिक्शन हो गया है, अब हम क्या करें। सो रूट कॉज तो कहीं ना कहीं हम ही हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमने ही डेवलप की हैं। सो सबसे पहले हमें खुद को इम्प्रूव करना होगा, खुद की मेंटालिटी को इम्प्रूव करना होगा, देन हमें जानना होगा कि जो छोटा सा मोबाइल है हमारे बच्चे के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। लिटरली ये एक छोटा सा गैजेट हमारे बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, और लिटरली ये एक छोटी सी जो चीज़ है हमारे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को इतना अफेक्ट कर सकती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इन सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। उनमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो कि आज मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ, आई होप आपकी आंखें खोल देगा। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, और उनसे मेरी अभी कुछ दिन पहले बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक पोता था जो कि 3 साल का था, और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही थी, उसकी हाइट बढ़ रही थी, उसका वेट बढ़ रहा था, धीरे धीरे वो वर्ड्स बोलना शुरू कर रहा था, और धीरे धीरे वर्ड्स के साथ वो सेंटेंस फॉर्म करने लगा था। बट उसी टाइम पे कोरोना आ जाता है, और उसके पेरेंट्स क्योंकि काफ़ी बिजी थे, दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, तो उन्होंने बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी नॉटी था, उसको इन्वॉल्व करने के लिए, उसको बिजी रखने के लिए, उसको शांत रखने के लिए उसको मोबाइल देना शुरू किया। अब वो मोबाइल की जो हैबिट थी, पहले आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे हुई, और धीरे धीरे वो हैबिट 3-4-5 घंटे, बच्चा लगातार 4-4-5-5 घंटे फ़ोन देख रहा है, और हुआ क्या, बच्चे को एडिक्शन हो गया उसका, और उसकी जो ग्रोथ थी लिटरली स्टॉप हो गई, उसकी जो हाइट थी वो नहीं बढ़ रही थी, उसका जो वेट था धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान, सारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ फ़ोन पर रहता था, ना वो कुछ खाता था, ना ही वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता था, ना ही वो किसी से बात करता था, ना ही उसका कोई कम्युनिकेशन था किसी से। और आज ये सिचुएशन है कि उसके पेरेंट्स उसको एडमिट करके बैठे हुए हैं बेंगलोर में, क्योंकि उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो इतनी क्रिटिकल हैं कि अब उसको एडमिट करना ही एकमात्र सोल्यूशन था उनके पास। सो दोस्तों, ये जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा पैथेटिक थी, हम में से कोई भी सोच भी नहीं सकता कि किसी बच्चे को फ़ोन से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर हम देखें कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया, चाइना, अमेरिका और ब्राज़ील, इस कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत दूसरा ऐसा देश है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। अब इसके काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हम में से ज़्यादातर लोगों को पता है, जैसे कि आइज़ के लिए क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, बॉडी पॉस्चर के लिए क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, बच्चा बाकी चीज़ों से लगभग कट जाता है, वो चीज़ें हमें पता है, बट बहुत सारी चीज़ें जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ट्रिक्स हैं जिनसे हम बहुत ईजीली बच्चे को इस ट्रैप से निकाल सकते हैं, और उसे वापस सोशल लाइफ में ला सकते हैं, उसे वापस मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे बच्चे के फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बाहर खेलना कूदना, बच्चों के साथ घुलना मिलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ़ोन में ऐसा है क्या जो कि हमारे बच्चे को इतना एडवर्स तरीके से अफेक्ट करता है। दोस्तों, ये जो फ़ोन होता है ये सिग्नल्स के थ्रू चलता है। अगर हमारे फ़ोन में सिग्नल्स नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो ये नहीं चलता है, कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं होती है। और ये जो सिग्नल्स हैं ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और अगर बच्चा इसको हाथ में लेके यूज़ कर रहा है, उसका फ़ोन उसकी बॉडी के बहुत ज़्यादा पास में है, तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि एक तो इसकी आँखों को अफेक्ट करेगा, एक उसके ब्रेन को अफेक्ट करने वाला है, दूसरा उसकी स्किन को, और तीसरा उसके हार्ट को बहुत एडवर्स तरीके से अफेक्ट करने वाला है। क्योंकि इसकी जो वेव्स होती हैं वो ब्रेन ट्यूमर तक कर सकती हैं, वो हार्ट डिजीज़ दे सकती हैं, वो डायबिटीज़ दे सकती हैं, वो बच्चों को ब्रेन ट्यूमर दे सकती हैं, कैंसर दे सकती हैं, और तो और इससे डीएनए के जो सेल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। सो इन चार चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, एक तो बॉडी से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उसकी ब्राइटनेस को हम एडजस्ट करेंगे, दूसरा बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देंगे, और इफ़ पॉसिबल हम उसे फ्लाइट मोड पर डाल के देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इससे और कौन कौन से नुकसान हैं।
बहुत देर तक अगर बच्चा फ़ोन देख रहा है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी का जो पॉस्चर है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता है, क्योंकि बच्चा हमेशा लेट के फ़ोन देखने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक कंफर्टेबल पोजीशन में आके उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बैक बोन पे इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी आँखों के लिए है, जितनी ज़्यादा देर बच्चे के स्क्रीन टाइम को हम देने वाले हैं उतना ज़्यादा डैमेज उसकी आँखों को होने वाला है, क्योंकि ये जो इसकी ब्लू लाइट होती है फ़ोन की आँखों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, और बहुत जल्दी बच्चे को विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे की आईसाइट वीक हो सकती है। सो उसके लिए हमें काफ़ी सारी प्रिकॉशंस लेनी होंगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी टाइम में ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रख के फ़ोन हाथ में देना है, अदरवाइज़ आपको इसको अवॉइड करना है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे बच्चों की जो कि पढ़ते नहीं हैं, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हैं, बट स्टिल हम लोग उन्हें क्यों दे देते हैं फ़ोन, क्योंकि हमें उन्हें खाना खिलाना है, क्योंकि उनको शांत बिठाना है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इंगेज करना है। तो प्लीज़ आज के बाद ऐसा करना छोड़ दीजिए। मोबाइल हमारे बच्चों के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है आप समझ सकते हैं। जून 2018 में WHO ने ऑनलाइन गेमिंग को लिटरली बैन कर दिया था, उसको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का नाम दिया गया था, और इसीलिए पबजी बाद में बैन कर दिया गया। अगर आप मनोवैज्ञानिक राय लेते हैं तो वो लोग इसे बिहेवियर कंडक्ट डिसऑर्डर का नाम देते हैं, यानी कि एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि अगर हम बच्चे की बात नहीं मानते हैं तो बच्चे को हिंसक बनाता जाता है, और उसमें ये प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है कि एक टाइम पर जाके ये बच्चे दूसरों को किल भी कर सकते हैं और ख़ुद को भी किल करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को कंट्रोल करना एक टाइम के बाद काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। सो ये सिचुएशन हमारे बच्चों के साथ ना आए, हमें कोशिश करना है कि ये सिचुएशन आने से पहले हमें अपने बच्चों को वापस नॉर्मल लाइफ में लेके जाना है। सो अब हम जान लेते हैं वो कौन सी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू हम अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं, जिनके थ्रू हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, और जिनके थ्रू हम धीरे धीरे अपने बच्चों को इस एडिक्शन से, इस ट्रैप से निकाल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमेशा नज़र रखें कि आपका बच्चा फ़ोन में क्या देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन क्लास लेने के बहाने में वो क्लास को लीव करके वो कुछ और ही देख रहा है, कोई कार्टून मूवी देख रहा है या फिर कोई गेम खेलना तो शुरू नहीं कर दिया। सो हमेशा अपने फ़ोन की हिस्ट्री चेक करते रहें कि बच्चा किस किस टाइम में क्या देख रहा है, उसने कितने टाइम के लिए कौन सी चीज़ ओपन की, और हमेशा अपनी एप्लीकेशंस जो कि उसके लिए आपको सेफ नहीं लगती है उनको हमेशा लॉक करके रखें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको चेक करना होगा कि कहीं आपके बच्चे को फ़ोन का एडिक्शन तो नहीं है। अगर आपका बच्चा दिन भर में 4 से 5 घंटे तक फ़ोन देखता है तो एक दिन आप उसे फ़ोन बिल्कुल ना दें, और आप ये चेक करने की कोशिश करें कि क्या आपका बच्चा उस फ़ोन के बिना रह पा रहा है या फिर नहीं रह पा रहा है। अगर आपका बच्चा नहीं रह पा रहा है तो डेफ़िनेटली आपको इसको बहुत सीरियसली लेना होगा, और अपने बच्चे पे आपको काफ़ी काम करना होगा इस एडिक्शन से उसको दूर लाने के लिए, इस ट्रैप से उसको निकालने के लिए। और अगर वो इजीली फ़ोन के बिना रह पा रहा है उस दिन में, दैट मीन्स आपके बच्चे को एटलीस्ट उसकी हैबिट तो नहीं है। अब ये शौक है या इंटरेस्ट है उसे भी हम धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम खुद सोशल मीडिया इतना यूज़ करते हैं, हम जब खुद फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम कैसे अपने बच्चों से कह सकते हैं कि आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उनके पास एक सिंपल सा आंसर होगा, एक सिंपल सा स्टेटमेंट होगा कि जब आप इतना यूज़ कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करके बच्चों को कहीं ना कहीं ये प्रूव कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कितनी इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ शायद बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए हम इसे बार बार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इवन बच्चों को प्रायोरिटी पर न रख के हम फ़ोन को प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। सो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट हो जाता है कि ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, और शायद मुझे भी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। नाउ द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिसमें हम में से ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं, हम जब भी देखते हैं कि हमारे बच्चे को एडिक्शन हो गया फ़ोन का, हम उसे मार के, पीट के, डांट के, डपट के, चिल्ला के उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि 1 या 2 दिन में ये एडिक्शन ख़त्म हो जाए। बट आप खुद सोच के देखिए, जिस चीज़ का आपको एडिक्शन है, चाहे वो चाय का है, चाहे वो कॉफ़ी का है, चाहे वो फ़ोन का है, क्या आप 1 दिन में उसे ख़त्म कर सकते हैं? फिर आप सोच के देखिए कि क्या आपके बच्चे के लिए पॉसिबल होगा उस चीज़ को 1 दिन में छोड़ना। उसके लिए आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना होगा, उसको हेल्प करना होगा उस एडिक्शन से बाहर आने में, आपको सपोर्टिव बनना होगा, अपने बच्चों का सपोर्ट करना होगा। आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे को समझाना है बहुत प्यार से, उसको बतानी है ये सारी चीज़ें कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, कितना हार्मफुल आपके लिए हो सकता है, और उसके बाद आप कोशिश करो इसे धीरे धीरे छोड़ने की, इसे धीरे धीरे दूर करने की, और इसमें हम लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं।
डेफिनेटली बच्चा आपकी बात समझेगा और धीरे धीरे इन चीज़ों को इग्नोर करना भी शुरू करेगा। बट अगर आप सपोर्ट करते हैं तो, अगर आप डांट टपट के ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल चांसेस हैं कि बच्चा एकदम से हिंसक हो सकता है, वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकता है, वो आपके अगेंस्ट जाके आपकी बातें नहीं सुनेगा और धीरे धीरे छुप छुप के देखना शुरू कर देगा। जब आप सो जाएंगे तब देखेगा, जब आप घर पे नहीं होंगे तब देखेगा। सो ये एक सलूशन नहीं है। सलूशन क्या है, हमें बच्चे को समझाना है, उसके साथ प्यार से डील करना है और उसकी हेल्प करनी है इस ट्रैप से बाहर आने में। पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें उसका दोस्त बनकर उससे सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, ना कि पेरेंट्स बनकर उसको डांट डपट के उससे फ़ोन छीन लेना है। दोस्त बनके उसके साथ शेयर करना है, यानी कि आपको उसको बताना है कि यार फ़ोन तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्या करूँ, मेरा भी बहुत मन करता है कि इस पर मैं कुछ न कुछ देखता रहूँ, मूवीज़ देखता रहूँ, रील्स देखता रहूँ, ये कार्टून वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बट क्या करें हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो बेटा तुम्हें भी कोशिश करनी होगी कि ये चीज़ें अगर हमारे लिए इतनी हार्मफुल है तो हमें इसे कम करना होगा। अब देखो मैंने भी अपना फ़ोन कम कर दिया है, तो आप भी कोशिश करो धीरे धीरे कम करने की। अगर आपकी अप्रोच बच्चे के साथ फ्रेंडली रहेगी तो आपकी चीज़ों को समझेगा, आपके लेवल पे आके उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा और इन चीज़ों को क्विट करने की भी कोशिश करेगा। बट अगर आप उसके साथ डोमिनेटिंग होंगे, अगर आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर ना तो वो समझेगा और ना ही इन चीज़ों को क्विट करने की कोशिश करेगा, उल्टा उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। क्योंकि बच्चों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिन चीज़ों के लिए हम सबसे ज़्यादा डांटते हैं, जिन चीज़ों के लिए उसे हम सबसे ज़्यादा पिटाई करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा करते हैं बच्चे। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप सेम टॉपिक पे जो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं ज़रूर चेकआउट कर लें। बाय बाय।